Hey guys, I'm Preeti and welcome back. So दोस्तों आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे अमेजिंग फाउंडेशन हैक्स, कुछ स्टेप्स आपको बताऊंगी, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करूंगी जो कि आपको फाउंडेशन लगाने से पहले एंड ऑल्सो फाउंडेशन लगाने के बाद फॉलो करनी है, जिससे आपका मेकअप बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा, केकी नहीं लगेगा एंड आपको मिलेगा एकदम फ्लॉलेस लुक। सो गाइज, ये वीडियो होने वाला है काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, स्पेशली फॉर बिगनर्स जो कि अभी मेकअप करना सीख रहे हैं एंड वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा स्टेप पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। सो आई रियली होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा एंड आपको पसंद आएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप इज योर स्किन केयर एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह से आप एक क्लीन कैनवस पे पेंटिंग करते हैं उसी तरह से आपकी स्किन, आपका फेस भी एक कैनवस की तरह ही होता है, बिकॉज आप इस पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हैं, ब्लेंड करते हैं। सो अगर आपकी स्किन सॉफ्ट नहीं होगी, स्मूथ नहीं होगी, तो आपका जो मेकअप है ना वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा एंड फ्लॉलेस भी नहीं दिखेगा। सबसे पहले आपको अपनी स्किन को करना है अच्छे से एक्सफोलिएट, सो दैट जितने भी डेड सेल्स बिल्डअप हुए हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाएं। आप कोई भी स्क्रब यूज़ कर सकते हैं, रेडीमेड या फिर DIY। स्क्रब करिए एक दो मिनट के लिए, स्पेशली नोज़ के पास अच्छे से करिए, बिकॉज यहाँ पर ना पोर्स काफ़ी क्लॉग हो जाते हैं एंड वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स भी होते हैं। सो वॉश करने के बाद ना आपको मिलेगी एकदम सॉफ्ट, स्मूथ, क्लियर स्किन एंड आपको मिलेगा एकदम क्लीन कैनवस आपके मेकअप के लिए। स्क्रब करने के बाद ना अक्सर हमारी स्किन थोड़ी ड्राई फील होती है, तो आप इमीडिएटली अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ मॉइस्चराइजर, सीरम, फेशियल ऑयल, जो भी आपकी स्किन को सूट करता है। बट अगर आपकी स्किन पहले से ही बहुत ज़्यादा ड्राई है तो और भी ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, स्पेशली इन विंटर सीजन, जैसे अभी सर्दियाँ चल रही हैं। तो आपको सजेस्ट करूँगी मैं कि आप शीट मास्क का यूज़ करिए, बिकॉज ये काफ़ी लंबे टाइम तक आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखेंगे एंड स्किन रेडियंट भी होती है। बट उससे पहले मुझे याद आया एक स्टेप जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपके फेशियल हेयर को रिमूव करना। तो फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए आप रेजर का यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ वेरी सेफ एंड कन्वीनियंट। बट उससे पहले अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिए, उसके बाद रेजर की हेल्प से अपने फेशियल हेयर को रिमूव कर सकते हैं। जो भी पीच फज होगी फोरहेड के पास या फिर आईब्रोज के छोटे छोटे जो बाल होते हैं वो आप रिमूव कर लीजिए, बट रिमूव करना ज़रूरी है, अदरवाइज आपका जो फाउंडेशन है ना वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा एंड मेकअप काफ़ी केकी लगेगा। मैंने फेस शेविंग के ऊपर ना ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया है डिटेल में, आप वो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो इस तरह से आप रेजर की हेल्प से अपने फेशियल हेयर को रिमूव कर लीजिए, उसके बाद एक वेट वाइप लीजिए और फेस को क्लीन कर लीजिए। इसके बाद आपकी स्किन ना बहुत ज़्यादा क्लीन और क्लियर लगेगी। नाउ यू कैन अप्लाई योर शीट मास्क। आप कोई भी अच्छा हाइड्रेटिंग शीट मास्क यूज़ कर सकते हैं अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर पिक्सी का शीट मास्क यूज़ कर रही हूँ एंड दिस इज़ रियली वेरी गुड। इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए इस तरह से छोड़ दीजिए, बट इस टाइम को आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है एंड यूटिलाइज करना है अपने ब्यूटी ब्लेंडर या स्पॉन्ज को रेडी करने के लिए, बिकॉज इसी से अपना फाउंडेशन आप ब्लेंड करेंगे, राइट? सो आपको करना ये है कि आपको एक मग में, टम्बलर में, बोल में भर लेना है इस तरह से पानी एंड उसके बाद अपने ब्यूटी ब्लेंडर को उसमें डिप कर देना है कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए। उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में, बट अभी 15 मिनट्स हो चुके हैं एंड अपना शीट मास्क आप रिमूव कर लीजिए जैसे यहाँ पर मैं कर रही हूँ। उसके बाद आप इसे इस पर थोड़ी सी मसाज करिए, जो भी सीरम वगैरह होता है शीट मास्क में, एंड आपकी स्किन हो जाएगी एकदम सॉफ्ट, स्मूथ एंड रेडिएंट। वैसे शीट मास्क लगाने के बाद आई एम श्योर आपको किसी भी मॉइस्चराइजर या सीरम की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इट्स सो हाइड्रेटिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। बट स्टिल इफ यू फील द नीड ऑफ ए मॉइस्चराइजर और सीरम तो आप लगा सकते हैं अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। और अपने नेक को बिल्कुल मत भूलिए, थोड़ी देर मसाज करिए एंड फिर 2 मिनट का आपको वेट करना है नेक्स्ट स्टेप के लिए। When your skincare is completely done, उसके बाद शुरू होगा आपका एक्चुअल मेकअप एंड सबसे पहला प्रोडक्ट जो आपको लगाना है अपने फेस के ऊपर वो होगा प्राइमर, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज प्राइमर लगाने से आपके पोर्स मिनिमाइज हो जाते हैं, ब्लर आउट हो जाते हैं एंड एक क्लीन कैनवस मिलता है फाउंडेशन लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी प्राइमर को एक साइड पर लगाकर, ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि फाउंडेशन लगाने से पहले प्राइमर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड प्राइमर को आपको इस तरह से नीचे ड्रैग करते हुए नहीं लगाना है, हमेशा डैबिंग मोशन में लगाना है, इस तरह से प्रेस करते हुए लगाना है, स्पेशली नोज़ के पास अच्छे से ब्लेंड करिए एंड ब्लेंड करने के बाद ना आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। अभी आपको शायद पता ना चले, लेकिन जब मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी तो डेफिनेटली आपको एक डिफरेंस पता चलेगा। प्राइमर लगाने के बाद ना एक लेयर बन जाती है आपकी स्किन के ऊपर, जिससे आपकी फाउंडेशन आपके पोर्स के अंदर सेटल नहीं होती है, एक क्लीन कैनवस मिलता है फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए, एक बेस बहुत अच्छा रेडी हो जाता है एंड आपका जो मेकअप है ना वो फ्लॉलेस लगता है एंड ऑल्सो लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। सो प्राइमर इज मस्ट गाइज।
नाउ ये जो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ ये ऑप्शनल स्टेप है, ये सब लोगों के लिए नहीं है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ी बहुत डार्कनेस है फेस के ऊपर, डार्क सर्कल्स हैं या फिर अनइवन स्किन टोन है। तो इन सारी चीज़ों को हाइड करने के लिए, कंसील करने के लिए आपको क्या करना है, आप कोई भी कंसीलर ले लीजिए जो कि आपकी स्किन टोन से मैच करता हो या फिर एक शेड लाइटर हो। बहुत ज़्यादा लाइट कंसीलर यूज़ मत करिए, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा फ्लेकी लगेगा ब्लेंड करते टाइम। एंड इस कंसीलर को आप वहाँ वहाँ लगा लीजिए जहाँ पर आपको ज़रूरत है एंड फिंगर से ब्लेंड कर लीजिए। मुझे बहुत ज़्यादा डार्कनेस की प्रॉब्लम नहीं है मेरे फेस पे, आप देख सकते हैं, लेकिन आपको बताना है मुझे तो आपको मैं दिखा रही हूँ। एंड ऑल्सो मैंने अपनी लेफ्ट साइड पे अप्लाई किया है, राइट साइड पे नहीं किया है, सो दैट आपको डिफरेंस पता चले। तो ब्लेंड करने के बाद आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड काफ़ी ब्राइट लग रही है एंड जो मेरी राइट साइड है वो एज यूजल नॉर्मल लग रही है। फाउंडेशन भी आप अपनी स्किन टाइप एंड टेक्सचर के अकॉर्डिंग ही लेंगे एंड ऑल्सो आपको कवरेज का भी ध्यान रखना है। अगर आपको किसी स्पेशल ओकेजन के लिए मेकअप करना है तो आप फुल कवरेज फाउंडेशन यूज़ करिए एंड अगर आपको डेली बेसिस पे रेगुलर मेकअप करना है तो आप शेयर टू मीडियम कवरेज फाउंडेशन यूज़ करेंगे। बट आपको उसका शेड ध्यान से लेना है, वो ना ही बहुत ज़्यादा लाइट होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा डार्क होना चाहिए, एग्जैक्ट आपकी स्किन टोन से मैच करता हुआ होना चाहिए एंड ब्लेंडेबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। जस्ट इन केस गाइज आपके पास कोई ऐसा फाउंडेशन आ गया है जिसका शेड बहुत ज़्यादा लाइट है एंड आपकी स्किन टोन से मैच नहीं करता है तो उसे भी आप फिक्स कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये मेबलिन का एक फाउंडेशन है, इसका शेड काफ़ी ज़्यादा लाइट है, इट्स आई थिंक 08 आइवरी, आप देख सकते हैं मेरी स्किन टोन से मैच नहीं कर रहा है। तो मैं इसमें थोड़ा सा ना कॉन्टोर स्टिक जो है लेकर उसमें थोड़ा सा ये मिक्स कर दूंगी अपनी फाउंडेशन में एंड आप देख सकते हैं शेड काफ़ी हद तक मेरी स्किन टोन से मैच कर रहा है अभी। इसी तरह से आपके पास अगर कॉन्टोर पैलेट नहीं है, कॉन्टोर स्टिक नहीं है, तो आप अपना जो ब्रॉन्जर होता है ना वो भी इसमें ऐड कर सकते या फिर आपके पास कोई ब्राउन लिपस्टिक है वो आप ऐड कर लीजिए एंड आपकी एग्जैक्ट जो स्किन टोन से मैच करती है आपकी जो फाउंडेशन है ना वो बन जाएगी इससे बहुत ही इजीली एंड आप आराम से इसे यूज कर पाएंगे। एंड इसी तरह से अगर आपके पास कोई ऐसा फाउंडेशन आ गया है जिसका शेड थोड़ा सा डार्क आपको लगता है या फिर उसकी अंडरटोन थोड़ी सी डिफरेंट है, आपको पसंद नहीं है, तो इसे भी आप फिक्स कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेबलिन फिट मी की फाउंडेशन है, इसका जो अंडरटोन है ना वो थोड़ा सा येलोइश है एंड शेड भी थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसमें मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा कंसीलर ऐड करूँगी जो थोड़ा सा लाइट हो, आपकी स्किन टोन से एक दो शेड लाइटर हो। थोड़ा सा कंसीलर पहले आप ऐड करिए और उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप और ऐड कर सकते हैं, मिक्स करिए अच्छे से। मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि उसका जो अंडरटोन है वो चेंज हो जाएगा, शेड भी जो है वो थोड़ा सा जो है चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह से अगर आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर है, सबके पास होता ही है, तो आप इस तरह से कॉम्पैक्ट पाउडर भी थोड़ा सा ले सकते हैं, अपनी फाउंडेशन मिक्स कर सकते हैं, इससे भी आपका जो शेड है वो चेंज हो जाएगा एंड ऑल्सो आपकी जो फाउंडेशन है मैट हो जाएगी अगर आप उसे समर्स में यूज़ करना चाहते हैं तो। नाउ अगर आप चाहते हैं कि आपका बेस मेकअप काफ़ी ग्लोई एंड ग्रेडियंट लगे तो आप एक काम कर सकते हैं, अपनी फाउंडेशन में थोड़ा सा हाइलाइटिंग क्रीम या फिर स्ट्रोब क्रीम आप मिक्स कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये मैक का स्ट्रोब क्रीम है एंड दिस इज़ दी बेस्ट क्रीम, आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छी शाइन है एंड इसमें अपनी फाउंडेशन आप मिक्स कर लीजिए। जब भी आपको फाउंडेशन लगानी है ना तो थोड़ी सी आप स्ट्रोब क्रीम मिक्स कर लीजिए, उसके बाद फाउंडेशन लगाइए, इससे आपकी स्किन काफ़ी फ्रेश लगेगी एंड काफ़ी ग्लोई लुक मिलेगा आपको, आप देख सकते हैं। बट जस्ट इन केस आपके पास स्ट्रोब क्रीम नहीं है, सबके पास नहीं होगा, आपके पास हाईलाइटिंग क्रीम भी नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे एक DIY बताऊंगी। आप कोई मॉइस्चराइजर ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा पाउडर हाइलाइटर मिक्स करिए या फिर अपनी फाउंडेशन में भी डायरेक्टली आप ये हाइलाइटर मिक्स करके लगा सकते हैं, आपको एग्जैक्टली वैसा ही लुक मिलेगा जैसा कि स्ट्रोब क्रीम के साथ आपको मिलेगा। तो इस तरह से अपना DIY स्ट्रोब क्रीम भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं एंड लगा सकते हैं, काफ़ी फ्रेश लगेगी आपकी स्किन एंड आपका बेस मेकअप बहुत ही अच्छा लगेगा। नाउ जो ब्यूटी ब्लेंडर या स्पॉन्ज आपने पानी में डिप करके रखा था ना उसको निकालने का टाइम अभी आ गया है एंड यू कैन सी ये काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है साइज़ में एंड फूल भी गया है। तो अभी आपको क्या करना है, इसमें से जितना भी पानी है ना वो अच्छे से आपको निचोड़ लेना है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। एंड यू नो गाइस कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको ना सिर्फ टैप वाटर के नीचे रखते हैं कुछ देर, आई थिंक 40-50 सेकेंड्स, एंड पानी निचोड़ के फिर यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे अगर आप अपना ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करेंगे तो आपका मेकअप ना ही अच्छे से ब्लेंड होगा ना ही सेट होगा। तो आपको पानी अच्छे से निचोड़ना है, उसके बाद आपको लेना है एक टॉवल या फिर पेपर टॉवल की हेल्प से आपको इस तरह से प्रेस करते हुए इसको ड्राई करना है, नॉट प्रॉपरली ड्राई बट ये थोड़ा सा डैम्प होना चाहिए, वेट नहीं होना चाहिए, तभी आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करेंगे अपनी फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए। अभी टाइम आ गया है फाउंडेशन अप्लाई करने का, सो लेफ्ट साइड पे मैंने प्राइमर अप्लाई किया था, तो इसी साइड पे मैं फाउंडेशन लगाकर आपको दिखाऊंगी। पहले तो सबसे पहले आपको फाउंडेशन की जो बॉटल है ना उसको अच्छे से शेक कर लेना है ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, तभी आपको जो कवरेज है वो अच्छे से मिलेगी। एंड आपको डायरेक्टली एप्लीकेटर से फाउंडेशन अप्लाई नहीं करनी है, थोड़ी सी फाउंडेशन आप अपने हाथों पर ले लीजिए, बैक ऑफ द हैंड्स पे, एंड थोड़ी थोड़ी करके इस तरह से डॉट डॉट करके ही आपको फाउंडेशन लगानी है। एंड आपके जो आईज़ के अराउंड एरिया होता है ना, अंडर आईज़ पे एंड आईलिड्स पे, वहाँ पर आपको फाउंडेशन
फाउंडेशन अप्लाई नहीं करनी है बिकॉज यहाँ पर हम कंसीलर अप्लाई करेंगे. सो जस्ट टू अवॉइड द लेयर्स आपको यहाँ पर फाउंडेशन अप्लाई नहीं करना है. एंड इस तरह से नीचे ड्रैग करते हुए फाउंडेशन को ब्लेंड मत करिए, हमेशा डैब डैब करके करिए. एंड ब्यूटी ब्लेंडर ना थोड़ा सा प्रोडक्ट अब्सॉर्ब करता है तो इससे आपको ना बहुत ही अच्छी नेचुरल फिनिश मिलेगी. ना अगर आपको फाउंडेशन को ब्लेंड करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है, आपको लग रहा है कि फाउंडेशन ड्राई हो रही है या फिर आपको मेकअप को और भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप सेटिंग स्प्रे लीजिए. यहाँ पर मैंने मैक की ली है, उसको अपनी ब्यूटी ब्लेंडर पर थोड़ा सा स्प्रे कर लीजिए या फिर आप डायरेक्टली अपने फेस पर भी स्प्रे कर सकते हैं. उसके बाद अपने स्पॉन्ज से अच्छे से ब्लेंड करिए अपनी फाउंडेशन को. बहुत ही ईजिली आपका जो मेकअप है फाउंडेशन है वो ब्लेंड भी होगी, सेट होगा एंड आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग भी होगा. एंड आपके फेस पर ना बहुत ही अच्छा ग्लो भी आएगा. आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे एंड राइट साइड पे जहां पे फाउंडेशन अप्लाई नहीं की है. एंड ऑल्सो गाइज आप अपनी फाउंडेशन को बिल्डअप भी कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट लग रही है, अगर आपको लगता है कि और कवरेज की आपको जरूरत है तो आप थोड़ी सी और फाउंडेशन ले सकते हैं एंड ब्लेंड कर सकते हैं. बट एक ही बार में बहुत ज्यादा फाउंडेशन मत लगाइए अपने फेस पे, अदरवाइज वो केकी लग सकता है. एंड ऑल्सो अपने नोज के पास फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करिए बिकॉज यहां पर ना थोड़ा सा सेटल हो जाता है फाउंडेशन जो कि अच्छा नहीं लगता है. तो इस तरह से अगर आप ब्लेंड करेंगे ना तो आपका मेकअप बहुत अच्छा होगा. सो अभी मैं आपको दिखाऊंगी फाउंडेशन अप्लाई करके राइट साइड पर जहां पर मैंने प्राइमर अप्लाई नहीं किया था, ताकि आपको पता चले कि प्राइमर के बिना फाउंडेशन कैसी लगती है. एंड इस बार मैं स्पॉन्ज की हेल्प से नहीं, ब्रश की हेल्प से फाउंडेशन को ब्लेंड करूंगी. सो यहां पर भी आपको सेम उसी मोशन में ब्लेंड करना है अपनी फाउंडेशन को, ड्रैग नहीं करना है, डैब डैब करना है. वाइज ना ब्रश के जो स्ट्रोक्स हैं वो फेस पे रह जाते हैं एंड अच्छे नहीं लगते हैं. एंड यू कैन सी द कवरेज गाइज, ब्रश से आपको ना काफ़ी अच्छा कवरेज मिलता है बिकॉज ब्रश ना प्रोडक्ट को अब्जॉर्ब नहीं करता है तो ये ज़्यादा कवरेज देता है, जबकि स्पॉन्ज थोड़ा बहुत प्रोडक्ट को अब्जॉर्ब करता है तो इससे आपको नेचुरल फिनिश मिलता है. सो नाउ यू कैन डिसाइड आपको क्या यूज़ करना है, या फिर आप दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं. पहले आप ब्रश यूज़ कर लीजिए एंड अगर आपको लगता है कि फिनिश अच्छा नहीं आया है तो आप ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं बाद में. फाउंडेशन हो गई अच्छे से ब्लेंड, अब मैं आपको दोनों साइड का कंपैरिजन करके दिखाऊंगी कि कैसा फिनिश आया है. तो यहाँ पर मैंने प्राइमर अप्लाई किया था तो पोर्स बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है एंड फिनिश काफ़ी अच्छा है. बट इस साइड पर जैसे कि प्राइमर नहीं लगा है तो पोर्स दिख रहे हैं, फिनिश अच्छा नहीं है, थोड़ा सा केकी लग रहा है. कैमरा आई डोंट नो कितना कैप्चर कर रहा है बट इन रियल इट्स नॉट लुकिंग गुड. सो प्राइमर बिल्कुल भी स्किप मत करिए, प्राइमर लगाने के बाद ही फाउंडेशन लगाना है. सो मैंने इस साइड पर भी जल्दी से रिमूव कर लिया है सब कुछ एंड प्राइमर लगा लिया है एंड नाउ आई एम ब्लेंडिंग माई फाउंडेशन. नो गाइज अगर आपको अपने फेशियल फीचर्स को हाईलाइट करना है ना तो फाउंडेशन लगाने के बाद आप लगाओगे कंसीलर, बट ये ज़रूरी नहीं है. अगर आपको हाईलाइट करना है तो आप लगाइए, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं इसको. तो थोड़ा थोड़ा कंसीलर आपको लगाना है, बहुत ज़्यादा मत लगाइए अदरवाइज वो केकी लग सकता है. तो इस तरह से अंडर आइज पे, देन आईलिड्स के ऊपर, फोरहेड पे, अराउंड माई माउथ मैंने कंसीलर लगा लिया है एंड सेम उसी डैम स्पॉन्ज में ब्लेंड करूँगी. आप ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं बट स्पॉन्ज से काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, सेट हो जाता है एंड केकी नहीं लगता है. एंड ऑल्सो अपने कंसीलर का जो शेड है ना वो आप बहुत ज्यादा लाइट मत लीजिए, सिर्फ एक शेड लाइटर वो होना चाहिए. कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद ना आपको उसको सेट कर देना है पाउडर से, अदरवाइज कंसीलर बहुत जल्दी क्रीज हो जाता है. सो आप कोई भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं, लूज पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर, यहाँ पर मैंने एयरस्पन का लूज पाउडर लिया है. एंड ब्रश की हेल्प से आप डेफिनेटली लगा सकते हैं बट ब्रश से थोड़ा सा पाउडर ज़्यादा लग जाता है कई बार. सो कई बार वो क्रीज हो जाता है, केकी लगता है. सो जस्ट टू अवॉइड दैट आपने जो डैम स्पॉन्ज से अपना कंसीलर फाउंडेशन ब्लेंड किया है ना उसी स्पॉन्ज से आप पाउडर लगाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. थोड़ा सा पाउडर लीजिए, एक्सेस टैप ऑफ कर दीजिए और उसके बाद धीरे धीरे करके प्रेस करते हुए आपको पाउडर लगाना है, ड्रैग नहीं करना है. एंड बहुत ज़्यादा पाउडर मत लगाइए अदरवाइज जो है कई बार वो ना केकी लगता है, अच्छा नहीं लगता है अगर आप बहुत ज़्यादा पाउडर लगा देते हैं एंड फेस बहुत ज़्यादा मैट लगता है. तो थोड़ा थोड़ा करके जहाँ जहाँ आपने कंसीलर अप्लाई किया है वहीं वहीं पर आप लगाएंगे पाउडर को. पूरा फेस आपको, पूरे फेस पर पाउडर लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, स्पेशली इन विंटर्स. नाउ गाइज नेक्स्ट हैक शेयर करने वाली हूँ मैं ऑयली स्किन वालों के लिए, ड्राई स्किन वालों के लिए ये हैक नहीं है. सो जिनकी ऑयली स्किन होती है ना उनके लिए मेकअप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली इन समर्स लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, मेल्ट बहुत जल्दी हो जाता है. तो उनके लिए मैं एक अमेजिंग ट्रिक शेयर करने वाली हूँ. आपको लेना है ब्लॉटिंग पेपर या फिर टॉयलेट पेपर भी आप यूज़ कर सकते हैं. ब्रश के ऊपर थोड़ा सा लीजिए पाउडर एंड इस तरह से टैप टैप करते हुए लगाइए. तो इस तरह से अगर आप लगाएंगे ना पाउडर तो आपकी जो स्किन है थोड़ी सी मैट हो जाएगी एंड आपका जो मेकअप है ना वो भी लॉन्ग लास्टिंग होगा एंड मेल्ट बहुत जल्दी नहीं होगा. मेक श्योर ऑयली स्किन वाले ही इस हैक को ट्राई करें. समर्स में डेफिनेटली कोई भी यूज़ कर सकता है इस ट्रिक को, बट अगर आपकी स्किन ड्राई है एंड विंटर्स में आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो ये हैक आपके लिए नहीं है. इससे आपकी स्किन और भी ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, मैट हो जाएगी एंड आपकी स्किन पे ग्लो नज़र नहीं आएगा.
सो आवर बेस मेकअप इज डन। अब ऑफ कैमरा में करूंगी अपने फुल फेस का मेकअप एंड अभी आपको दिखाऊंगी। टाडा, सो कैसा लग रहा है आपको मेकअप? लग रहा है ना एकदम फ्लॉलेस? अगर आपका बेस मेकअप अच्छा हुआ है ना, बेस बहुत अच्छे से सेट हुआ है, तो आपका जो फुल फेस का जो मेकअप है ना वो बहुत अच्छा लगेगा, एकदम नीट लगेगा एंड बहुत अच्छा लुक आपको मिलेगा। सो इस मेकअप को लॉक कैसे करना है, सेट कैसे करना है, उसके लिए आता है मेरा लास्ट हैक। आपको लेना है मेकअप सेटिंग स्प्रे। यहाँ पर मैं मैक फिक्स प्लस यूज़ कर रही हूँ, बट अगर आपके पास ये प्रोडक्ट नहीं है तो आप कोई भी सेटिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, बट दिस इज़ अमेजिंग गाइज। एक बार आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखिए। इससे ना बहुत अच्छा ग्लो मिलता है फेस के ऊपर, जो कि अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे। तो इस तरह से स्प्रे कर लीजिए, देन सेमी ड्राई स्टेट में जब ये होगा तो थोड़ा सा इसे आप डैब डैब करिए स्पॉन्ज से। इससे आपके जो भी पाउडर प्रोडक्ट्स होंगे ना वो सेटल हो जाएंगे एंड आपका मेकअप जो सेट हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा एंड फिनिश बहुत अच्छा मिलेगा। आप देख सकते हैं एकदम फ्लॉलेस फिनिश मिलेगा आपको। इसी के साथ सारे हैक्स यहीं पे हो जाते हैं कंप्लीट एंड आई एम श्योर आपको ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बिकॉज मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से समझाया है, बट बिलीव मी बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो हर बार आप फ्लॉलेस मेकअप लुक अचीव कर सकते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो ट्राई ज़रूर करिए इन हैक्स को एंड नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड बहुत मेहनत की है इस वीडियो के लिए, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है शूट करने में, तो अपना फीडबैक देना मुझे बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।